मुझे कहीं से आवाज आई थी। मुझे ऐसे लगा जैसे हमारे इर्द गिर्द कोई है। लेकिन यहाँ पर तो हमारे अलावा कोई भी नहीं था। ओ, ये क्या हुआ? उठो जल्दी करो। ये तो हमारे बैग लग रहे हैं। अरे ये बैग हैं किसके वैसे? हाँ शेरजा, इस बात की टेंशन मत लो, तुम किसके भी हैं। याद करता हूँ वैसे किसके थे। चलो जिसके भी हो हमने ले लिए, अब क्या किया जा सकता है, हमारे ही थे, दोबारा मिले ना। मुझे ऐसा लगा जैसे यहाँ पर कोई है, अगर कोई हुआ तो हम क्या करेंगे। हाँ ये बात तो थोड़ी सोचने लायक है। हाँ तो देख लेते हैं ना, इधर उधर मुझे आहट की आवाज भी आ रही थी। अरे नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है, हमारे अलावा कोई नहीं। अगर हुआ तो क्या करेंगे बताओ मुझे, हम बच्चे भी अकेले हैं। अरे तुम परेशान मत हो, कोई नहीं, हम निपट लेंगे उसे खुद ही। अरे मुझे तो जो चीजें सामने मिली मैंने वो रख ली। हाँ ठीक है, इस बैग में मैं देख रहा हूँ कोई काम की चीज मिल जाए तो। शेरजा हमारे सिग्नल नहीं आ रहे, हम घर वापस कैसे जाएंगे, किससे बात करेंगे हम। अरे तुम परेशान मत हो, ये जंगल है और जंगल में कभी भी सिग्नल नहीं आते, और अगर आ भी जाएंगे तो हम मैसेज कर देंगे। हाँ लेकिन ठीक है, हमें रास्ता भूल गया तो। अरे नहीं भूलता, तुम मेरे साथ चलो। अच्छा यार दोस्त, मुझे ये बताओ इस बैग का क्या करेंगे। अरे ये हमारे काम आएंगे, जब रात होगी तो गुजारनी पड़ेगी, इसमें सोएंगे। तुम्हें पता नहीं है क्या, ये देखो ये भी है मेरे पास। क्या मतलब, हो सकता है हमें रात भी गुजारनी पड़े? हाँ तो गुजारनी पड़ सकती है, ये जंगल है। अरे यार डर लगेगा मुझे, मैं तो बहुत डरता हूँ इन चीजों से। कोई मसला नहीं, इधर ही डेरा लगा लेते हैं। हाँ यहाँ पर ठीक है, ये निशान ठीक है। मुझे ये बताओ कि हमें एक और जगह चाहिए जहाँ पर हम ये लिख सकें। अरे वहाँ पर ठीक है। मुझे ऐसे लगा कोई था वहाँ पर। क्या मतलब? जैसे हमारा कोई पीछा कर रहा हो और हमें देख रहा हो। यहाँ पर कौन आएगा, दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा, कोई नहीं होगा। हाँ शेर हो सकता है। अरे नहीं मजाक कर रहा हूँ मैं। तुम तो मजाक से भी डर जाते हो। अच्छा नहीं डरता, चलो। अरे बस इसे ध्यान से खोल लेना ताकि ये कुछ हो ना। अरे नहीं फिक्र मत करो तुम। अरे वाह कमाल हो गया, देखो हमारा कैंप मजे का है ना। हाँ शेरजा वो देखो क्या हुआ। अब किसको देख लिया तुमने वहां पर? अरे वहां से अभी मैंने किसी को भागते देखा। अरे तुम पागल हो गए हो, वहां पर कोई नहीं है यार। तो मैंने जो देखा वो कौन था? अरे यार एक तुम्हारा दिमाग थोड़ा सा खराब हो गया है मुझे लगता। तुम्हें भूख? ना ही मुझे भूख लगी है, ना ही मुझे प्यास लगी है, मैं ठीक ठाक हूँ, मैंने देखा है। अरे नहीं वो तुम्हारा दिमाग का वहम हो सकता है। दिमाग पर ज्यादा जोर मत दो, कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है कभी कभी।
अरे ऐसा नहीं है, मैंने लाजमी देखा था। अरे ये वो तुम थी जो डरा रही थी हमें। ए नहीं शेरजा, मैंने नहीं डराया कसम से। नास्तिया ये क्या तरीका है, तुम्हें मिलने का ढंग नहीं है क्या? अरे मुझे नहीं नहीं, मैं आपको डरा नहीं रही थी, मैं सिर्फ आप लोगों का पीछा कर रही थी क्योंकि तुम लोग फन कर रहे हो। अरे इसमें क्या हो, सीधी तरह सामने आ जाती। नहीं तुम मुझसे नाराज हो जाते और हमें और मुझे शामिल नहीं करते। ऐसा कभी हुआ है क्या मैंने तुम्हें शामिल ना किया हो? इस तरह तुम मुझसे नाराज हो जाते इसलिए मैं तुम्हारे सामने नहीं आई। फिर भी तुमने गलत किया। अब तुम वहीं खड़ी रहोगी। आती हूँ। वो नास्तिया थी, देखा मैंने कहा था ना। अरे मुझे पता था नास्तिया तुम ही थी, तुम्हें हमें डराने की क्या जरूरत थी? मैं डर गया था, बता दिया इसको मैंने कि कोई था वाकई। अरे नहीं दोस्तों, मुझे डराने का शौक नहीं है, मैं तुम लोगों के साथ मिलकर मैं तुम लोगों को ज्वाइन करना चाहती थी, जस्ट इसलिए मैं पीछा कर रही थी। तुम दोनों अकेले जो आ गए थे, लेकिन तुमने हमें डरा तो दिया ना, तुम्हारा इरादा तो हमें डराने का ही था, इसलिए हम तुम्हें माफ नहीं करेंगे। अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं था, तुम गलत समझ रहे हो। अरे मैं नहीं माफ करता, जाओ। ये भला क्या तरीका हुआ पीछा करने का? अरे तुमने आना था ना तो तुम हमें कह देती कि मुझे तुम लोगों के साथ आना है। नहीं ऐसी बात नहीं है। ये लोग किधर गए हैं? नास्तिया हम जरा जा रहे हैं, तुम इधर ही बैठे रहना। अच्छा एंजेलिना तुम यहाँ कैसे हो? अरे तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम हमारा पीछा कर रही हो, पीछा करना बहुत बुरी बात है। अरे नहीं मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रही, बस मुझे शौक था। अब ये कैसा नया ड्रामा है, कोई अब ये कुछ बोलेगी? अरे नहीं तुम तो ना कहो ऐसा, मुझे शौक था तुम लोग कहाँ जा रहे हो। अरे हम जहाँ भी जाते तो तुम हमसे पूछ लेती पहले। एंजेलिना ये देखो नास्तिया पहले ही बैठी है। हाँ अब तुम दोनों बताओ, तुम दोनों इकट्ठी थी या अलग अलग? हम लोग कितनी की दफा एक्सप्लेनेशन देंगे? हाँ बता तो दिया है जो बताना था। हा? दोस्तों मैं सच बोल रही हूँ। अरे मेरा इसमें कोई हाथ नहीं, मैं तो बस तुम लोगों के पीछे आई थी। अच्छा तुम बताओ कि कैसे बनाया ये टेंट तुम लोगों ने? ये मुझे बहुत अच्छा लगता है इसलिए। हाँ मुझे भी सेम यही बात है, तुम लोगों ने टेंट बनाया और यहाँ पिकनिक के लिए आ गए, इसलिए मुझे क्यूरियोसिटी हुई। चलो ठीक है, तुम दोनों को माफ कर दिया, लेकिन आइंदा से अगर आना हो तो हमें बताकर साथ आना। हाँ ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, साथ आना। चलो कुछ प्लान करते हैं, इधर आओ बात बतानी है। मैं हेल्पलाइन का नंबर मिलाने लगी हूँ जो हमें यहाँ से आकर ले जाएंगे, ठीक है ना? एंजेलिना तुम्हारे फोन में तो कोई भी सिग्नल नहीं आ रहा। अरे अभी तो आ रहा था। ये जंगल है दोस्तों, यहाँ पर सिग्नल नहीं आया करते। हाँ ये जंगल है, यहाँ पर ऐसे ही होता है। यार छोड़ो ये बातें, मुझे नहीं लगता कि कोई हमारा पीछा कर रहा है, हम यहाँ पर एंजॉय करने आए हैं। नहीं यार
नहीं नहीं, इसका मतलब ये आवाजें सिर्फ मुझे ही सुनाई देती हैं। मुझे भी सुनाई दी है, अंदर चलो।